असल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग सी एस वन जीरो वन का आज मॉड्यूल नंबर थर्टी है डाटा कंप्रेशन कंप्रेसिंग हमने आज लिया है इमेज़ की इसके अंदर एक तो उसने फॉर्मेट्स बताए हैं तीन और वो तीन फॉर्मेट्स हमने याद करने हैं उसमें पहला उसने बताया हुआ है गिफ्ट उसने उसने बताया हुआ है कि वन सिस्टम है नाउन एज गिफ्ट इसको हम लोग प्रोनाउंस ये ये है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है उसको गिफ्ट भी पढ़ते हैं कुछ लोग गिफ्ट भी पढ़ते हैं तो इसने इसकी ये ना इतनी डिटेल दी हुई है उसमें ये लिखता क्या है कि जो गिफ्ट है ये क्या करता है कि ये अप्रोच करने के लिए कंप्रेशन को रिड्यूस कर देता है कलर्स को और पिक्सल टू ओनली टू फिफ्टी सिक्स जैसे कि रेड ग्रीन ब्लू तीन बाइट हैं तीनों जो हैं वो मिलकर टू फिफ्टी सिक्स पिक्सल जो है ना तीनों अलग अलग टू फिफ्टी सिक्स पिक्सल्स ले रहे हैं एक बाइट का टू फिफ्टी सिक्स दूसरे का टू फिफ्टी सिक्स तीसरे का भी टू फिफ्टी सिक्स वो कह रहा है कि इनको जो है वो कंप्रेस करता है और दीज इनकॉर्डिंग और स्टोर्ड इन द टेबल जो इसमें जिस जिसमें स्टोर इस होते हैं उसको प्लेट कहते हैं ईच पिक्सल इन एन इमेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल बाइट एक कलर जो है वो उसने पहले बताया एक प्रेक पैसले में जैसे कहना तीन है तीनों अलग अलग ले रहे हैं टू फिफ्टी सिक्स वो कह रहे हैं कि तीनों जो है वो सिंगल बिड्स हैं वो अलग अलग वैल्यू ले रहे हैं और वो इंडिकेट कर रहे हैं टू फिफ्टी सिक्स प्लेट को और बाकी कह रहा है कि ये बात नोट कर लेकिन जब गिफ्ट यूज़ होता है तो वो क्या करता है कि वो लॉसी कंप्रेशन है जैसे हम पीछे पढ़ रहे हैं कि यानी कि वो डाटा को लॉस करता है इसमें यह होता है कि जब ये कंप्रेस करता है इमेज को तो इमेज का जो होता है कलर वो ओरिजिनल कलर नहीं रहता उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है आगे अगला हमारे पास फॉर्मेट है जे पैग कुछ लोग इसको जे पी ई जी भी पढ़ते हैं और कुछ लोग इसका जे पैग भी पढ़ते हैं मैं जे पैग ही पढ़ती हूँ आगे इसने लिखा हुआ है कि अनदर कंप्रेशन सिस्टम एग्जाम्पल जो है इसकी वो जे पैग है और इसके अंदर उसने लिखा है कि जे पैग जो है इट इज़ स्टैंडर्ड डिवेल्प बाई जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इस वजह से इसका नाम भी उन्होंने जे पैग रख दिया है जे फॉर जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट और ग्रुप विद आई एस ओ आई एस ओ हमने पहले भी पढ़ा था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है इसको फिर याद रखना है जे पैग हैज़ प्रूवड जे पैग ने यह प्रूव कर दिया है कि उसकी फ़ोटोग्राफिक जो कंप्रेसिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव है फिर ये बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गया और इसने ये कहा है कि ये अब गवाही इस चीज़ की गवाही ये है कि जब हमारे डिजिटल कैमराज हैं उनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो एक फॉर्मेट यूज़ हो रहा है वो जे पैग है बस इसमें यही करना था आगे चलते हैं इसके अंदर जो थर्ड फॉर्मेट मैंने बताया वो एंड है टिफ टिफ में टिफ का मतलब है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट इसके अंदर होता क्या है कि पिक्चर का फॉर्मेट पिक्चर का फॉर्मेट तो है लेकिन ये पिक्चर को कंप्रेस नहीं करता इसके अंदर ये होता है कि आजकल हम पिक्चर बनाते हैं तो हमें बताता है कि अच्छा ये आपने लाहौर में पिक्चर बनाई थी तो ये लाहौर की है आपने इस टाइम पर बनाई थी इस टाइम की है फलान डेट पर आपने बनाई थी और आज की डेट ये है तो ये कहता है कि जो टिप है ये मोस्ट पॉपुलर है यूज टिप ये इसका ये काम नहीं है कि ये डाटा को कंप्रेस करता है ये इसने दूसरी लाइन में लिखा हुआ है ये क्या करता है कि एज अ स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मेट स्टोरिंग फोटोग्राफ अलॉन्ग विद रिलेटेड इंफॉर्मेशन एज डेट टाइम कैमरा और सेटिंग और ये इस काम के लिए यूज़ होता है और नॉर्मली स्टोर्ड एज रेड ग्रीन ब्लू यानी इसके पिक्सल वही रहते हैं कोई कंप्रेशन इसके ऊपर नहीं लगाता आगे चलते हैं यहाँ पर मॉड्यूल ख़त्म हो गया मोडूलर थर्टी वन कंप्रेसिंग ऑडियो एंड वीडियो अच्छा कंप्रेसिंग और ऑडियो और वीडियो हम लोग पढ़ रहे होते हैं एम पी थ्री एम पी फोर एम पैग अब ये वो वाला काम आ गया इसने कहा है कि द मोस्ट कॉमनली यूज स्टैंडर्ड फॉर इनकॉडिंग कंप्रेसिंग ऑडियो एंड वीडियो वर डेवलप्ड बाय द मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जैसे वो पीछे था ना जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप वैसे ये मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप आ गया इसने भी अंडर आई एस ओ के काम किया था और इसने ये बना लिया था ये इसकी डेफिनेशन है एम पी ए जी के ये अपने आपनी तो है फिर आगे चलते हैं उसने यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है डिमांड क्या करता है जे पैग है जो वो डिमांड कर रहा होता है फॉर हाई डेफिनेशन टेलीविज़न एच डी टी वी का एच डी टी वी का मतलब होता है हाई डेफिनेशन टेलीविज़न ये आपने याद कर लेना है उसके बाद आगे है जो करने वाला है वो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है आई फ्रेम्स आर इनकोडेड यूजिंग रिलेटिव इनकोडिंग टेक्निक्स जो आई फ्रेम है वो भी इनको यूज़ करता है एम पी ई जी को या एमपेक को फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अपना एम पी थ्री एम पी थ्री हम सबको पता है कि द बेस्ट नाउन सिस्टम फॉर कंप्रेसिंग ऑडियो इज़ एम पी थ्री है विच वॉज़ डिवेलप्ड विद इन एम पैग ये एम पैग एम पी जी के साथ स्टैंडर्ड के साथ ही बना था इनफैक्ट वो कह रहा है कि हकीकत यह है कि ये जो है ये एम पी थ्री का शॉर्ट फॉर शॉर्ट है एम पी ई जी का शॉर्ट लेर है थ्री ये भी याद करते हैं एम सी क्यों आ सकता है उसके बाद कहता है अमंग अदर कंप्रेशन टेक्निक्स एम पी थ्री जो है वो टेक करता है एडवाटेज एम पी थ्री कुछ जो है ना फायदे उठा रहे वो अब फायदे क्या हैं वो कहता है टेम्पोरल मास्किंग टेम्पोरल मास्किंग इसने लिखा हुआ है इज़ दैट फॉर अ शॉर्ट पीरियड आफ्टर अ लाउड साउंड द ह्यूमन ईयर कैन नाट डिटेक्ट आफ्टर साउंडस जब हम कोई बहुत ऊंची आवाज़ सुनते हैं ना तो आवाज़ सुनने के बाद जो हमारे कान है ना वो कुछ छोटे से टाइम के लिए एक चीज जो है ना आवाज़ उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते तो वो कह रहे हैं कि टेम्पोरल मास्किंग ये वो काम करता है और जो फ्रिक्वेंसी मास्किंग है इज़ दैट साउंड एट अ फ्रीकुंसी टेंट टू मास्क आफ्टर मास्क सॉफ्टर साउंड एट नियर बाई फ्रिक्वेंसीज यानी कि जो है ना वो सॉफ्टर फ्रिक्वेंसीज को मास्क कर लेते हैं आफ्टर एट आ फ्रिक्वेंसी टेंट उसके बाद ये हो गया इसके बाद एंड पे जो करने वाली चीज़ें हैं इन दोनों की बिट मास्क सॉरी बिट मास्क कह दिया है मैंने टेम्पोरल मास्किंग और फ्रिकुनसीड मास्किंग की डेफिनेशन लाज भी करनी है और इसके बाद आ जाता है कि एंड पे हमारे पास है ये ये जो चीज़ है ना ट्रांसफ़र करती है ये देखें एम पी थ्री रिकॉर्डिंग जनरली रिक्वायर ट्रांसफर रेट ऑफ फोर्टी के बी पर सेकेंड नो मोर दैन फोर्टी सिक्सटी फोर के बी पर सेकेंड एक ये लाइन याद करनी है कि ऑडियो एम पी थ्री जो है इतना ले रहा है और उसके बाद जो उसने बताया है कि जो हमारे पास वीडियोज़ हैं वीडियोज़ प्रजेंटेशन कैन बी सक्सेसफुली रिलेट ऑन कम्युनिकेशन पास डेट प्रोवाइड ट्रांसफ़र रेट्स ऑफ फोर्टी एम पीज़ तो ये आपने याद कर लेना है यहाँ पर वो कह रहा है कि बिट पर सेकेंड किलो बैट पर सेकेंड उसके बाद मेगा गीगा और ये सारे जो है ना उसने उसके ये बस वैसे ही बताया है। बस ये दो एम सी क्यूज आ सकते हैं वीडियो के और ऑडियो के तो ये आपने एक बार देख लेना है उसके बाद आ जाते हैं मॉड्यूल नंबर थर्टी टू मोड्यूल नंबर थर्टी टू है डाटा मैनिपुलेशन डाटा मैनिपुलेशन में उसने बताया है कि जो सी पी यू है हमारा उसके थ्री पार्ट्स होते हैं अर्थमेटिक यूनिट कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर यूनिट अर्थमेटिक यूनिट अर्थमेटिक जैसे हमारे पास पहले थे अर्थमेटिक हमने ऑपरेटर्स बने हैं तो इसमें क्या होता है कि एडिशन होती है सब्ट्रैक्शन होती है मल्टीप्लिकेशन तो वो यही कह रहा है कि ऑपरेशंस करता है विच कंटेन्स द सर्कट्री दैट परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन डाटा जो ऑपरेशंस करते हैं डाटा पे जैसे एडिशन करती है और सब्ट्रैक्शन कर दी उसके बाद कंट्रोल यूनिट है वो क्या कहता है नाम से या विच कंटेन्स द सर्कट्री टू कोआनेटिंग द मशीन एक्टिविटीज़ यानी कि कंट्रोल क्या होता है मशीन की एक्टिविटीज़ को और रजिस्टर यूनिट है विच कंटेन्स द डाटा स्टोरेज सेल्स कार रजिस्टर्स आर यूज फॉर द टेम्प्रेरी स्टोरेज विद इन द सी यू आर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहा है कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रहा है और रजिस्टर यूनिट क्या कर रहा है उन सबको जो है ना वो स्टोर कर रहा है उसके बाद इन्होंने कि यहाँ पर डेफिनेशन दे दी हुई है बस की उसने कहा है कि फॉर द परपज ऑफ ट्रांसफरिंग बिट्स अ मशीन सी पी यू मेन मेमोरी आर कनेक्टेड बाय अ कलेक्शन ऑफ वायरस कॉल्ड बस थ्रू द थ्रू दिस बस अ सी पी यू एक्सट्रैक्ट रीड डाटा फ्राम मेन मेमोरी बाई सप्लाइंग द एड्रेस टू द मेन मेमोरी सेल वो ये कह रहा है कि ये हमारा सी पी यू है ये हमारी मेन मेमोरी है इसके बीच में ये बस लगी हुई है जो कि हमारा कलेक्शन ऑफ़ वायर्स है ये कलेक्शन ऑफ़ वायर्स क्या करता है कि यहाँ से जो डाटा है उस डाटा को मेन मेमोरी में मेन मेमोरी से निकाल लेता है और फिर हमें रिप्रेजेंट कर देता है बस इसका ये काम है अब आगे चलते हैं मॉड्यूल नंबर थर्टी थ्री नंबर थर्टी थ्री में उसने लिखा हुआ है कि स्टोर प्रोग्राम अब हमें हमने पीछे इतना ज़्यादा पढ़ लिया है कि हम हाँ, जो है वो कैसे प्रोग्राम चल रहा है इसके अंदर लैंग्वेज कौन सी चल रही है तो इसके अंदर हमें ये सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं अगर किसी का दिल करे तो वो पढ़ सकता है अपने नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए लेकिन इसमें सिर्फ इतना है कि जो हमारा कोड है या हमारा प्रोग्राम है वो बिट पैटर्न यानी कि हमारा बिट पैटर्न को यूज़ करते हुए हमारा जो डाटा है उसको सारा स्टोर कर लेता है मेन मेमोरी के अंदर और उसी जगह पे वो एग्जीक्यूट होता है और रन होता है इसकी डेफिनेशन अगर आपने इसको शॉर्ट फोर्डिंग में देखना है तो मैंने नीचे जो नोट्स बना के डाले हैं डिस्क्रिप्शन में आप उसमें से देख सकते हैं नहीं तो आप ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं आगे मोड्यूल नंबर आ जाता है थर्टी फोर सी पी यू आर्किटेक्चर सी पी यूज़ आर डिज़ाइन टू रिकॉगनाइज इनकोडेड एज बिट पैटर्न द कलेक्शन ऑफ़ इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद इन कोडिंग सिस्टम इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज थी इधर जो क्वेश्चन आता है जीरो वन वाला वही है लेकिन सी क्या करता है कि इसको डिज़ाइन किया गया था कि वो जो इंस्ट्रक्शन है ना बिट पैटर्न की उनको जो है वो पहचान ले रिकोगनाइज़ कर ले और उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज़ हुई थी वो मशीन लैंग्वेज है यानी कि जो हम लोगों की बाइनरी लैंग्वेज है जीरो और वन ये आपकी बाइनरी लैंग्वेज की भी डेफिनेशन हो सकती है आगे इसमें जो करने वाली चीज़ है वो आर आई एस सी और सी आई एस सी ये पुराने ज़माने के सी पी यू के जो है ना वो डिज़ाइन हैं वो कहता है कि वन इज़ दट सी पी यू शूड बी डिज़ाइन टू एग्जीक्यूट मिनिमम सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन दिस अप्रोश लीड्स टू वट इट इज़ कॉल रिड्यूस इंस्ट्रक्शन ऑफ़ द सेट इसमें क्या कह रहा है कंप्यूटर के इसमें जो बनाया गया था ना इसका डिज़ाइन वो ऐसा था कि वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा था और उन्हीं को एग्जीक्यूट कर रहा था और जबकि ये सी आई एस सी वाला जो है इसको डिज़ाइन किया गया था कि ये जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसको स्टोर कर लेगा आर्ग्यूमेंट्स को और ऊपर वाला जो था वो मशीन एफिशिएंट था फास्ट और लेस एक्सपेंसिव था एस जो था वो इसलिए हम लोगों के फेवर में आ गया था क्योंकि वो मशीन एफिशिएंट थी फास्ट थी और लेस एक्सपेंसिव थी और जो दूसरा हमारे पास आ गया था कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन आ गई थी सी की जो सी आई था वो जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था इसलिए जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ फिर जब टाइम आसा आस्ता गुजरता गया तो उसकी जगह ये सी आई एस सी और आई आई ऐसी जो है वो चले गए क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये पुराने कंप्यूटर सी के जो है वो डिज़ाइन है और इनकी जगह आके ए ने ले ली और इसमें और कुछने वाला कुछ भी नहीं है आपने इन दोनों डेफिनेशन याद कर लेनी है ऊपर मशीन लैंग्वेज है बस और ये जो ए है ये इसने आके जगह ले, ले ली ये भी देख लीएगा ए का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ एडवांस डिस्क मशीन आगे मॉड्यूल नंबर थर्टी फाइव है वीडियो नंबर थर्टी फाइव में आ जाता है डाटा मैनिपुलेशन फिर वो जो पीछे वाला काम था वो दोबारा आ गया है उसमें सेम टॉपिक्स लिखे हुए हैं डाटा ट्रांसफर ग्रुप अर्थोमेटिक ग्रुप और द कंट्रोल ग्रुप आप अपनी जुबान में भी ये बातें जो है ना उनको डिफाइन कर सकते हैं अब जो ट्रांसफर ग्रुप है वो क्या करता है द डाटा ट्रांसफर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दैट द मूवमेंट ऑफ इंस्ट्रकशन फ्राम ये हो गया हमारा डाटा ट्रांसफर ग्रुप आइयो इंस्ट्रक्शन हैं इसके अंदर आई ओ का मतलब होता है आई फॉर इनपोट इनपुट है और आउ ओ फॉर आउटपुट है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है जो इसके अंदर है ठीक है वो कैटेगरी है तो ये वाला जो पैराग्राफ है इसको भी आपने कर लेना है जिसके अंदर इसने लिखा हुआ है कि मेन इंस्ट्रक्शन है इसकी ग्रुप ऑफ़ इंस्ट्रक्शन विद डाटा ट्रांसफर कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ कमांड्स ऑफ कमांड कमांड जिसके अंदर यूज़ हो रहे हैं वो आई ओ है ठीक है इनपुट आउटपुट है यानी कि अगर हम प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं तो हमने प्रिंटर को जो है ना जाके बताना है कि इनपुट हमने उसको देनी है तो उसने आउटपुट देनी है अगर हम उसको इनपुट दे रहे हैं यानी एक पी डी एफ दे रहे हैं प्रिंट करने के लिए तो ही वो आउटपुट पे हमें वो पेजेस प्रिंट करके देगा अदरवाइज वो नहीं देगा तो ये इसके अंदर उसने लिखा हुआ है अर्थमेटिक लॉजिक ग्रुप था आर्थमेटिक लॉजिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन टेल द कंट्रोल यूनिट टू रिक्वेस्ट एन एक्टिविटी विद इन द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये फिर वही है जो हमने एडिशन और सब्सट्रक्शन वाले करने हैं इसमें ऑपरेशन हो रहे हैं वही उसके अंदर इस आगे कंट्रोल ग्रुप में लिख दिया कंसिस्ट ऑफ दो दिन डायरेक्ट एक्जीक्यूशन प्रोग्राम उसमें भी यही था कि वो एग्जीक्यूट कर देते और रन कर देता प्रोग्राम को आगे चलते हैं थर्टी सिक्स फिर इसमें पास आ गई है पर इसके अंदर वही सेम इमेज बनी हुई है कि ये सी से डाटा ले रहा है सी जो है वो डाटा ले रहा है मेन मेमोरी से और बीच में ये कलेक्शन ऑफ हमारे पास वायर्स हैं इसमें ये लिखना क्या है कि मशीन इंस्ट्रक्शन इज़ फस्ड फ्राम मेन मेमोरी टू सी पी यू यानी कि यहाँ से जो डाटा है इसको फैस करके के सी पी यू में लेके आता है बस के ज़रिए उसके बाद इनकोडेड होते हैं और रिपोर्ट जैसे कि सी पी यू को जो है वो डिज़ाइन किया गया था मशीन लैंग्वेज पढ़ने के लिए द ऑर्डर इज़ एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन द मेन मेमरी स्पेसिफिकली जम्प ठीक हो गया अदरवाइज है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उसने बताया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है कि हमारे पास जो एग्जीक्यूट होने वाला प्रोग्राम वो होल्डिंग जो उसने इंस्ट्रक्शन की होती हैं बींग एग्जीक्यूटेड नाउ जो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं ना उनको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं और जो हमारी लगी होती है ना एड्रेस जो हमारा क्यू में होता है वो उसको कह रहे हैं कि कंटेन एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट जो अगला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला होता है ना वो जो होता है उसको कहते हैं प्रोग्राम काउंटर मशीन साइकिल है मशीन साइकिल इंपॉर्टेंट है जिसके जी स्टेप्स हैं ये आपने लाजमी याद करना है ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है मशीन साइकिल उसमें कहता ही है कि सी से सी जो है डाटा फैच कर लेते हैं मेन मेमोरी से फिर उसके बाद क्या होता है उसको डिकोड करता है डिकोड करके जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देते हैं बस आइए थर्टी सेवन थर्टी सेवन जो हमारा मॉड्यूल है इसके अंदर बस सेम चीज़ें लिखी हुई हैं जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर ये डाटा है यहाँ पर इसने एक एड्रेस बना दिया है यहाँ पर सेल्स हैं और ये बस हैं जो इसके अंदर जो है ना वो ट्रांसफरिंग का काम कर रही है ये हम पीछे ज़्यादा पढ़ रहे हैं इसलिए ये लेक्चर जो है ना आप लोग खुद पढ़ लीएगा आगे हम पढ़ते हैं थर्टी एट थर्टी एट में एंड और और जोर का जो है ना वो गेट जो हमने ऑपरेशन पढ़े थे वो दोबारा से आ गए हैं पीछे हम लोग ने एडिशन की थी यहाँ पर लॉजिक ऑपरेटर जो सो रहे हैं एंड और जॉर यहाँ पर हमें जो है ना वो एडिशन करने के लिए नहीं कह रहा वहाँ पे हमें कह रहा है लॉजिक ऑपरेशन लगाने हैं जैसे हमने एंड में पढ़ा था कि इट प्रोड्यूस वन वेन बोथ इनपुट्स आर वन अब जब एंड इन दो का निकालना है यानी इसका जो हम लोगों ने रिज़ल्ट लेना है वो वन उस वक्त होगा जब दोनों हमारी वैल्यूज होंगी ना दोनों इटपुट हमारे वन होंगे तो इसको देखते हैं कि जीरो और वन ज़ीरो वन ज़ीरो 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 और ज़ीरो जीरो वन और वन आ गया तो ये वन हो गया ये वन और ये ज़ीरो 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 जीरो ज़ीरो ज़ीरो वन जीरो वन और वन फिर वन हो गए ये हमारा एंड है जब दोनों वन होंगे तो ही वन होगा अगर उनमें से कोई एक भी जीरो हो गया तो वो जीरो हो जाएगा ये हमारा एंड था आगे आ हाँ जाता है और।, और में हमारा था कि इट प्रोड्यूस वन वन एनी वन ऑफ द इनपुट इज़ वन तो अगर इसमें कोई एक भी वन होगा तो भी वन होगा दोनों वन होंगे तब भी वन होगा अगर दोनों ज़ीरो होंगे तब भी सिर्फ जो आंसर है वो ज़ीरो आएगा तो इसमें ज़ीरो और वन वन है वन ज़ीरो ज़ीरो वन है सॉरी ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो है वन 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 है वन ज़ीरो फिर वन है फिर वो ज़ीरो 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 है ज़ीरो वन वन और वन 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 और जो जोर जो है उसमें क्या था कि जब बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट तब वो हमें जो है ना इनपुट वन देता है अगर सेम होगी ज़ीरो और ज़ीरो होगा तब भी ज़ीरो है वन और वन होगा तब भी वन ही होगा तो ज़ीरो और वन है तो वन है वन और ज़ीरो है तो वन है अगर ज़ीरो ज़ीरो है तो ज़ीरो है वन वन है तो ज़ीरो है इस तरह करके जो है ना हमारा जोर और भी खत्म हो जाते हैं उसके बाद क्या आता है कि एंड ऑपरेशन तो एक एग्जाम्पल जो है ना वो कॉल्ड होती है मास्किंग पे क्योंकि ये जो है ना इसमें इसने यहाँ पर लिखा हुआ है कहाँ पर लिखा हुआ है वुड बी मास्क ऑफ़ ऑल ऑफ द बीट एसोसिएटेड विद द रेड कंपोनेंट ऑफ द पिक्सल इन एन इमेज लिविंग ओनली द ब्लू एंड ग्रीन कलर कंपोनेंट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज फ्रिक्वेंटली अवेलेबल एज एन ऑप्शन इन इमेज मैनिपुलेशन ये एंड ऑपरेशन जो है ना ये करते हैं काम क्या बिट एसोसिएटेड होते हैं विद रेड कंपोनेंट के साथ पिक्सल ऑफ इंडिया इमेज लिविंग ओनली ब्लू एंड रेड रेड और ग्रीन रेड को ले लेते हैं ब्लू और ग्रीन को जो है वो छोड़ देते हैं फिर उसके बाद जो जोर के इसमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है वो ये है उसमें ये कह रहा है कि द जोर ऑपरेशन कैन बी यूज टू इन्वर्ट ऑल ऑफ द बिट्स ऑफ एन आर जी बी बिट मैप इमेज वो इसमें क्या होता है बेसिकली ये है कि जो डार्क है ना डार्क कलर वो हमारे डार्क कलर लाइट हो जाते हैं सॉरी जो लाइट कलर है ना हमारे वो डार्क कलर हो जाते हैं यानी कि वो चेंज हो जाते हैं तो इसके अंदर जोर जो है वो ये काम करता है आगे चलते हैं आगे आ रहा है कि मॉड्यूल नंबर नाइनटीन है रोटेशन एंड शिफ्ट रोटेशन एंड शिफ्ट में इतना करने वाला कुछ नहीं है रोटेशन को जैसे हमें पता है कि वो रोटेट होता रहता है तो वो यानी वो सर्कल बना रहा होता है और जो शिफ्ट हो रहा था वो आगे शिफ्ट हो रहा होता है इसको हम लोग लॉजिकल शिफ्ट भी कहते हैं इसमें होता क्या है कि अगर हमारे पास वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन है अगर इसका हम लोग शिफ्ट करेंगे ना शिफ्टिंग इसकी होगी तो शिफ्टिंग इसकी कैसे होगी कि ये जो एंड वाला है ना ये उठेगा और यहाँ पे पहले वाले पे आ जाएगा फिर ये वाला उठेगा और ये पहले वाले पे आ जाएगा यानी कि ये रोटेशन होती रहेगी और जब ये घूमेगा तो ये फिर दोबारा से इधर आता रहेगा और आगे आके ये घूमता रहेगा जबकि होता क्या है कि दूसरे वाले में क्या है लॉजिक शिफ्ट है जो कि हमारी शिफ्ट कह रही हूँ शिफ्ट है हाँ शिफ्ट है तो उसमें क्या होता है ये हमारा रोटेशन था जो घूम रहा है ठीक है और जो शिफ्टिंग है अगर उसमें वन वन जीरो जीरो आ गया तो वो क्या करेगा जो ज़ीरो है उसको वन के साथ रिप्लेस कर देगा ज़ीरो और वन वन रह जाएगा फिर उसको रिप्लेस करता जाएगा आगे आगे आ गया तो इस तरह शिफ्टिंग हो उसकी हो जाएगी और जो उसने इसने यहाँ पर एक वैल्यू लिखी हुई है जो इसने यहाँ पर लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि अगर ये सॉरी यहाँ पर मैंने ज़्यादा गांधाल डाल है यहाँ पर उसने इसके लिए इस लॉजिकल के लिए लिखी हुई है कि दैट ऑलवेज फील द होल और अगर यहाँ पर इसकी एक रिजनल वैल्यू के साथ भी इसको रिप्लेस कर देता है यानी जीरो नहीं, नहीं लगाता अगर उसको ओरिजिनल वैल्यू मिल गया तो ओरिजिनल वैल्यू लगाएगा अदरवाइज़ वो जीरो लगा देगा जैसे ये मैंने किया था फिर उसके बाद है डेटा मैनिपुलेशन इसमें ऑथोमेटिक ऑपरेटर्स हैं फिर वही वाली जो है ना उसके अंदर एडिशन सब्सट्रै सब्रैक्शन हो गई या जमा माइनस हो गया, हो गया तो फिर मुझे नहीं लगता इसको दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत है और यहाँ पर ये लेक्चर भी खत्म